कोरोना लॉकडाउन के बीच सिरोही में हालात का ब्यौरा दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता खुशल भूरा ने। देश में कोरोना के ग्राफ में अभी कमी आई है। सिरोही की हम बात करें तो सिरोही में भी आंकड़ों में कुछ कमियां आई है। आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ा निरंतर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज हम खड़े हैं सिरोही के अनादरा चौराहे पर। अनादरा चौराहे की बात करें तो यहाँ पे ट्रैफिक का आवागमन है, लेकिन लोग भी यहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू में 3 दिन तक लगातार बंद रहता है, लेकिन लोगों का आना जाना यहाँ पर चालू है। हमारे साथ जिसकी ड्यूटी लगी हुई है वो भी जुड़े हुए, उनसे हम बात करेंगे। बताइए सर। खाली जिले से मारवाड़ सेक्टर बुधा राम हेल्थ नंबर सांसद है और मैं भी सेवा देता हूँ। कोरोना में वो लोगों को समझाता हूँ, मास्क लगाओ, बिना मास्क मत घूमो। मास्क बहुत ज़्यादा चल रही है, आप खुद समझदार हो समझो। और हमेशा भाईजानों को जो भी लॉकडाउन चल रहा है तो उसको घर के अंदर सुरक्षित रहे। कोरोना की जागरूकता को लेकर भी यहाँ पे कोई रिक्शा चालक है जो कोरोना के जागरूकता लगातार कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बताइए आप। नगर परिषद ने यहाँ बॉम्बू प्रचार लगातार 15 दिन से जारी रखा है, उससे भी लोगों में ये जागरूकता आई है। इस बार कोरोना की जो सेकेंड लहर है वो बहुत घातक है और सिरोही जिले में बहुत सी मौतें हुई है और हमारे सरकार की तरफ से ऑक्सीजन वेंटिलेटर की जो व्यवस्था की गई है उससे अब ऐसा लगता है कि अब कोरोना धीरे धीरे कमी आ रही है और अब धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि प्रशासन की सकती है, पुलिस की सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जागरूक हुए कहीं कोरोना की से हम मुक्ति पा पाएंगे। मैं कैमरामैन के साथ खुशल भूरा, इंडिया न्यूज़।